हाँ जी दोस्तों, विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल में तुहाड़ा स्वागत है। दोस्तों मैं तुहाड़ा अमृति मान, तो अज्ज मैं पहुंचा हाँ सोल एग्रीकल्चर वर्कस फरवाही बरनाला पंजाब दे विच। ते अज्ज असीं तुहाडे लई लैके आए हां बूम स्प्रे पंप। जिदा कि तुसीं देख रहे हो दोस्तों, काफ़ी बड़ा स्प्रे पंप है तो बहुत ही वधिया बनया होया है। तो इस स्प्रे पंप बारे गल करने अपना कंपनी के ओनर ने, जिन्होंने ये स्प्रे पंप तैयार किया, उन्हें गल कराने। सत्या सर। सत्या जी सर, सब तो पहला तो साढ़े किसान भाओं अपने तो अपनी फर्म जानकारी दोगे जी। अपनी फर्म का नाम सोहल फरवाही एग्रीकल्चर वर्कस, पिंड फरवाही, डिस्ट्रिक्ट बरनाला। ठीक है जी। तो अज्ज असी किसान वीरां लई की लैके आए जी? ये आपां जी बूम स्प्रे पंप तैयार कर रहे हैं, इदां दे आपां कई मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है जी। ये मान लो भी हाइड्रोलिक बूम स्प्रे पंप। ठीक है सर। जिदे मान लो भी इहदे आपां फिटिंग करते हैं, जिदा कि टायर ला के ये ट्रैक्टर दी आयरन नूं, इहनूं हाई क्लीयरेंस जिहड़ी आयरन 32-33 इंच हो जाती है। ये स्प्रे करन लई लेबर की लोड़ नहीं हैगी, कल्ला एक बंदा स्प्रे कर सकदा, यूरिया सुट सकदा जी। मतलब कल्ला एक बंदा ही इसनूं चला सकदा, स्प्रे कर सकदा, मतलब लेबर दी जरूरत नहीं हैगी जी। हाँ जी हाँ। तो सर थोड़ी जानकारी दोगे इस बारे जी, भी तुसीं ये काफ़ी बड़ा लाता है, किन्ने फिट का चौड़ा जी, ये किन्ने गेड़े कवर करता है, लगभग गल करिए? बूम जिहड़ा लग्या हैगा बाहरों, मान लो भी ये 45 फुट का एरिया कवर करता जी, 45 to 50 फुट एरिया कवर करूगा जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो 50 फुट एरिया एक गेड़े कवर कर लेता? हाँ जी, एक गेड़ा जी। मान लो इन्हें किले चे 4 गेड़े देने जी, 4 गेड़े मान लो एक अपन यूरिया वाला स्पैडर बना रहे हैं। ठीक है। उन्ना एरी उन्हें कवर करना, उन्ना एरी इन्हें कवर करना जी बूम स्प्रे पंप। ठीक है जी। हाँ जी। ये जी जिनी न्यूजल लगी हुई है, इटालियन लगी हुई है सर, इटालियन न्यूजल आप वरत रहे हैं, तो जानी वधिया समान लगा रहे हैं। इन का जो फार्म खेत लैके जाना इनू, तो इनू आप उत्थे जाके खोल सकते हैं, इतों इनू फोल्ड कर सकते हैं जी। ठीक है। हाँ जी। क्यों रास्ते च जाने की कोई दिक्कत नहीं आती है ये हाइड्रोलिक है जो 3 बना रहे हैं, ज़्यादातर तो असं अड्डो अड्डी कस्टमर की डिमांड होंगी है, भी जिदा किसी ने सेंटर वाला उपर नीचे करने की ज़्यादा नहीं लोड़ पैंती, तो वह वाला 2 लगवा लेंदा जी। अच्छा जी। ये हूँ 2 है, एक विचाले लगता है हाइड्रोलिक 3 जी, उपर नीचे ही उपर नीचे होंगे जी। हाँ जी। टायर लगे हुए? हाँ जी, ये टायर लग्या हुआ सर एनाडोलू का, जे यूरोप का टायर है। तो अपने को टायर की 3 क्वालिटिया ने, अपने को 3 तरह का टायर आ रहा है, एनाडोलू का भी आ रहा है, बोस्टन कंपनी का, तो चाइना का भी आ रहा है। तीनों की खैर क्वालिटी बढ़िया है, पर इस साल थोड़ा एनाडोलू का टायर ज़्यादा कस्टमर ने डिमांड की है, लगा रहे हैं असं। तो बाकी अपने को टायर अवेलेबल है 3 कंपनी जी, जिदा की कुछ चॉइस है, जिन्हें तकरीबन अज तो 2-3 साल पहला ज़्यादातर अपने चाइना का टायर चल रहा है, बिच किसान भरावान की डिमांड यह भी होंगी है, बिच भी असी चाइना का टायर ही लगा रहे हैं, भी साढ़े तो पहला चल रहा है ऑलरेडी, वो भी अपने को स्टॉक होंगे जी। तो सर तुम ये साउंड सिस्टम पिछले की लाते जी एडा बड़ा? ये साउंड सिस्टम यह डी वाटर टैंक बनाया गया ये पिछे जी। हाँ जी हाँ जी, ये वाटर टैंक है, मान लो पहला आप पिस्से पा रहे थे, हूँ आप सीट के टैंकी के बिच ही देता, ये मान लो ये 700 लीटर का टैंक है जी। ठीक है। हाँ जी। पिछे ये आप पिछे पंप लगाया है, जो आप बूम सुप जानी यूरिए वाला स्पैडर पाँगा का पिछे, तो 2 पिन ही नेग मौजना आराम ना उतो पिना क्ढो पंप ला दो। हाँ जी। पहला जो पिछे आप एक आप 600 लीटर का टैंक पिछे भी बनाने, जो आटोरोटेट गन वाला वो ट्रैक्टर की थोड़ा लिफ्ट तो वजन का रहा, उस असी इनू थोड़ा जहा डिजाइन किए, नवी टैंकी डिजाइन की है। हाँ जी हाँ जी। तो सर मैं एक सवाल पूछना चाहना भी अपने को जानी मॉडल तो असं कई सारे तरह के मॉडल ही बना रहे हैं स्प्रे पंप के, तीन तो ये मान लो एक जिदा हूँ ये लग्या हुआ है, ये अगे बूम लग्या हुआ है, ये आप सारा सैट दें, टायर हो गए, टायर की फिटिंग होगी, स्पैड पिछे जूरी वाला स्पैडर हो गया, तो यदा बूम हो गया, जिदा की ये चीज़ बना रहे हैं, ये अपना ओनली 3,20,000 बना रहे हैं जी। ठीक है जी। हाँ जी। एक नंबर चीज़ होगी, वधिया क्वालिटी होगी, जिदा दारिया इतने न्योजल लगे हुए, टालियन न्योजल लगी होगी, तो हाइड्रोलिक होगा, तो मान लो बाकी डिमांड होंगी जिदा की कई बार किसान भरावान की चॉइस होंगी भी आप आटोरोटेट गन एक सिस्टम बना रहे हैं, आप बैक साइड पैंता जी पंप, वो जिदा की वो अंदर खड़े ने पंप जी। ठीक है जी। तो आप जो सिस्टम बना रहे हैं तो वो मान लो 3 चीज़ा लगा के वो आप दें 2,62,000 जी। ठीक है जी। हाँ जी। टायर आ गई चॉइस है, जे ये रेट ने जो आप अज्ज के रेट ने, बाकी आप रेट है जो एनाडोलू टायर नाल रेट है जी,
ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਸੇਮ ਨੇ ਕੋਈ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸੂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਐਚ ਪੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਪ ਉਹ ਬਲਿਊਬੇਰੀ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੂਮ ਸਪਰੇਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਇਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਈ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉੱਧਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਾਇਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਟੋਕ ਆਪਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਰਸ ਹਰਬਾਈ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸੋਲ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕ ਫਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੀਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪਾ ਕਰਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਧੰਨਵਾਦ